गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। विराट किंग्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन एयरफोर्स और नेवी की काइनेमेटिक्स यूनिट की बात कर रहे थे और काइनेमेटिक्स या गति की यूनिट में अपन टॉपिक ले रहे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। इस सरल रेखा में गति के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था इनर्शियल फ्रेम, निर्देश तंत्र, पोजिशन वैक्टर, स्थिति सदिश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश, और उन सब का अपन ने मैग्नीट्यूड निकाला था। तो पोजीशन वेक्टर को अपन ने लिखा था वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, और मैंने कहा दिस इज द 3D वेक्टर। 2D में अपन पोजीशन वेक्टर को लिखते हैं आर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के, अगर पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में है। अब 1D में अपन लिखते हैं आर इज इक्वल टू एक्स आई के, आर इज इक्वल टू वाई जे के और R इज इक्वल टू जेड के के, वो 1D वेक्टर था। आज काइनेमेटिक्स में अपन बात कर रहे हैं रेस्ट एंड मोशन, विराम और किसकी बात कर रहे हैं गति। विराम में अपन किसे कहते हैं कि निर्देश तंत्र में किसी भी पार्टिकल की या इनर्शियल फ्रेम में किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वेक्टर होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई और जेड। ये एक्स वाई जेड आपके उस पार्टिकल के कौन से कोऑर्डिनेट हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट है। पोजीशन कोऑर्डिनेट का मतलब स्थिति निर्देशांक है, ठीक है, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है, 3। तो 3 कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई एंड जेड, दिस इज कॉल्ड पोजिशन कोऑर्डिनेट या स्थिति निर्देशन। अगर किसी भी कण का मतलब पार्टिकल की स्थिति पोजिशन अगर टाइम के साथ इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में अनचेंज्ड रहती है तो पार्टिकल किस में कहलाता है, रेस्ट। यदि किसी पार्टिकल की पोजीशन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में रिमेंस कांस्टेंट या यदि किसी पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कांस्टेंट रहते हैं, चेंज नहीं होते, तो पार्टिकल होता है वो किस में कहलाता है, रेस्ट में। कहने का मतलब यदि किसी भी कण की स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है तो पार्टिकल किस में कहलाता है, विराम में कहलाता है। और जब पार्टिकल विराम में होता है या रेस्ट में होते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट पोजिशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है ना, वो टाइम के साथ क्या रहते हैं, कांस्टेंट। और जब इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कांस्टेंट रहते हैं तो पार्टिकल कहलाता है किस में, रेस्ट। रेस्ट का मतलब पार्टिकल किस में कहलाता है, विराम। और यदि किसी कण की स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो कण गति में कहलाता है, कण किस में कहलाता है, गति में। कहने का मतलब यदि किसी पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड का मान टाइम के साथ चेंज होता है तो पार्टिकल किस में कहलाता है, मोशन। और अगर किसी पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ अनचेंज्ड रहते हैं या कांस्टेंट रहते हैं तो पार्टिकल किस में कहलाता है, रेस्ट।
और अगर किसी पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड का मान टाइम के साथ वेरी करता है या टाइम के साथ चेंज होता है तो पार्टिकल किस में कहलाता है? मोशन। तो इतने बात याद रखनी है कि यदि किसी कण की स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष अपरिवर्तित रहती है तो कण विराम में कहलाता है, और यदि किसी कण की स्थिति निर्देश तंत्र के सापेक्ष परिवर्तित होती है तो कण किस में कहलाता है? मोशन, गति में कहलाता है। बात कर रहे हो बेटा गति, मोशन और गति तीन प्रकार की ले रहे हैं बेटा। एक तो गति होती है एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। एक गति होती है बेटा द्विविमीय, द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन। और एक गति होती है जिसको अपन बोलते हैं त्रिविमीय गति, 3D मोशन, थ्री डायमेंशनल मोशन। तो गति के प्रकार की बात करते हैं तो गति तीन प्रकार की होती है बेटा, एकविमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एकविमीय गति है वो हमेशा सरल रेखा में होती है बेटा। एकविमीय गति स्ट्रेट लाइन में होती है, सरल रेखा में होती है। और सरल रेखा को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है? वन कोऑर्डिनेट। 2D मोशन होती है द्विविमीय गति, वो समतल में होती है बेटा, प्लेन में होती है। तो 1D मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है, जबकि 2D मोशन किस में होती है? प्लेन। और 3D मोशन होती है ना बेटा, वो स्पेस अर्थात किस में होती है? आकाश। तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोऑर्डिनेट, प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट, और स्पेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है? तीन कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ये 1D मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन में होती है, 2D मोशन प्लेन में होती है, और 3D मोशन किस में होती है? स्पेस। 1D मोशन अपन किसे कहते हैं? एकविमीय गति अपन किसे कहते हैं? कि किसी भी पार्टिकल की एक ऐसी मोशन जिसमें पार्टिकल के पोजिशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में से एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होता है और दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या रहते हैं? कांस्टेंट। तो किसी भी कण की एक ऐसी गति जिसमें स्थिति के निर्देशांक एक्स वाई जेड में से एक निर्देशांक का मान समय के साथ परिवर्तित होता है और दो निर्देशांक समय के साथ क्या रहते हैं? नियत। इसका मतलब यह गति किस लाइन में हो रही है? सरल रेखा में। अगर पार्टिकल अक्ष अक्ष के अलोंग मोशन करेगा तो अक्ष कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वाई और जेड कांस्टेंट रहेंगे। वाई अक्ष के अलोंग मोशन करेगा, वाई चेंज होगा, अक्ष और जेड कांस्टेंट रहेगा। और जेड अक्ष के अलोंग मोशन करेगा तो आपको पता है जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, अक्ष और वाई क्या रहेंगे? नियत, कांस्टेंट रहेंगे। तो किसी भी पार्टिकल की एक ऐसी मोशन जिसमें पार्टिकल के पोजिशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में से एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ वेरी करता है और दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कांस्टेंट रहते हैं, तो इस प्रकार की मोशन को अपन बोलते हैं बेटा 1D मोशन। कि तीन निर्देशांक में से एक निर्देशांक समय के साथ चेंज होता है, दो नियत रहते हैं, तो उस गति को अपन बोलते हैं एकविमीय गति। जबकि किसी भी कण की एक ऐसी गति जिसमें कण की स्थिति निर्देशांक
एक्स वाई जेड में से दो कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज होते हैं और एक कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट, उस मोशन को अपन बोलते हैं 2D। और किसी भी पार्टिकल की एक ऐसी मोशन जिसमें पार्टिकल के तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, इन तीनों का मान समय के साथ क्या होता है, चेंज, परिवर्तित होता है, तो वो मोशन अपनी कहलाती है 3D। तो 1D मोशन में उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में से एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, 2D मोशन में कितने कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, दो, और 3D मोशन में तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या होंगे, चेंज। तो इस प्रकार ये तीन मोशन होती है बेटा, 1D, 2D और 3D। अब 1D मोशन होती है वो स्ट्रेट लाइन में होगी, 2D किस में होगी, प्लेन, और 3D किस में होगी, आकाश। अब अपन इसके एग्जांपल की बात करते हैं। उदाहरण, सीधे सड़क पर वाहन की गति 1D है। दूसरा मैं लिख रहा हूँ, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति, जैसे मेरे हाथ में ये पार्टिकल है, इसको मैं छोड़ूंगा, ये किधर गति करेगा, नीचे की ओर, किस रेखा में गति हो रही है, सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन में। तो इस तरीके की जो मोशन होती है उसको अपन बोलते हैं बेटा 1D। इसके एग्जांपल की मैं बात करूं, डिवी में गति में बिलियर्ड की गेंद की गति तो नहीं होता, ऐसे एक पार्ट सा एक लकड़ी का बना हुआ होता है वुडन, उसमें स्टिक होती है, स्टिक से बॉल को मारते हैं, बॉल ऐसे ऐसे मोशन करती, इसका मतलब ये मोशन हो रही है वो किस में, प्लेन। तो बिलियर्ड की गेंद की गति होती है वो 2D। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, सर्कुलर मोशन वर्तीय गति। उदाहरण बेटा 2D मोशन का, मोशन ऑफ फैन, पंखे की गति, पंखे की जो प्लेट होती है या ताड़ी होती है वो वर्ताकार पथ पर गति करती है, और वर्ताकार पथ पर गति होती है, सर्कुलर मोशन होती है वो कौन सी, 2D। टेढ़े मेढ़े पथ पर कीड़े की गति जिगजैग पथ पर, तो वो भी अपनी कौन सी मोशन होगी, 2D। 3D मोशन होती है स्पेस का मतलब किस में होती है, आकाश। एग्जांपल की इसकी बात करूं, पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसकी गति है 3D। दूसरा मैं लिखूं, मोशन ऑफ काइट, पतंग की गति, यह भी आकाश में उड़ता है, जब आकाश में उड़ता है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या होते हैं, चेंज। तो ये गति तीन प्रकार की होती है बेटा, 1D, 2D और एक गति कौन सी होती है, 3D। तो मोशन तीन टाइप की होती है, 1D, 2D और 3D। 1D मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है, 2D प्लेन में होती है, 3D स्पेस आकाश में होती है। 1D मोशन में एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, 2D मोशन में दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, और 3D में तीनों के तीनों पोजीशन कोऑर्डिनेट टाइम के साथ क्या होते हैं, चेंज। और ये एग्जांपल याद रखने, सीधी सड़क पर वाहन की गति, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति, है ना, तो ये 1D का है, बिलियर्ड की गेंद की गति, सर्कुलर मोशन, पंखे की गति, टेढ़े मेढ़े पथ पर कीड़े की गति, ये 2D मोशन, पतंग की गति, हवाई जहाज की गति, पक्षी की गति, मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ काइट और मोशन ऑफ बर्ड, ये एग्जांपल है कौन से मोशन का, 3D। और 3D मोशन हमेशा किस में होती है बेटा, स्पेस में होती है या आकाश में होती है। तो मोशन ये तीन टाइप की होती है, 1D, 2D और 3D।
इसके बाद अपन बात कर रहे हैं बिंदु द्रव्यमान, पॉइंट है मास। बिंदु द्रव्यमान या इसको पार्टिकल भी बोलते हैं। बिंदु द्रव्यमान का मतलब किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म भाग जिसकी विमाएं नगण्य होती है, विमाएं नगण्य होती है। बिंदु द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है। विमाएं का मतलब मेरा रहेगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म भाग जिसकी विमाएं, विमा का मतलब मेरा रहेगा लंबाई, चौड़ाई और किससे ऊंचाई, वो नगण्य होती है। नगण्य का मतलब लगभग जीरो के बराबर होती है। तो किसी भी पदार्थ का ये जो सूक्ष्म भाग होता है उसको बोला जाता है पॉइंट मास या बिंदु द्रव्यमान। पॉइंट मास का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, द्रव्यमान या मास के द्वारा किया जाता है। दूसरी तरीके से आप ये डेफिनेशन भी दे सकते हो कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म भाग जिसकी विमा है उसके द्रव्यमान की तुलना में नगण्य होती है। मास तो होता है ज्यादा और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वो नेग्लिजिबल होती है। इस प्रकार का जो सूक्ष्म भाग होता है उसको बोला जाता है पॉइंट मास। कि कहने का मतलब किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा माइक्रो पार्ट जिसकी डायमेंशंस मास की कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होती है, जिसकी डायमेंशन किसकी कंपैरेटिवली मास, और डायमेंशंस का मतलब मेरा रहेगा लेंथ, वेट और किससे हाइट। तो किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा माइक्रो पार्ट जिसकी डायमेंशंस मास के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होती है, तो जो ये माइक्रो पार्ट होता है ना उस सब्सटेंस के माइक्रो पार्ट को बोला जाता है कौन सा मास, पॉइंट मास। क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंस रहेगा वो किसका रहेगा, मास का रहेगा, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है मास से। तो किसी भी सब्सटेंस का एक ऐसा माइक्रो पार्ट जिसकी डायमेंशंस मास की कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल होती है, तो उस सब्सटेंस का जो ये माइक्रो पार्ट होता है उसको बोला जाता है बेटा कौन सा मास, पॉइंट। और पॉइंट मास को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, मास, क्योंकि उसकी जो डायमेंशंस होती है वो तो कैसी होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो इस माइक्रो पार्ट को बोला जाता है कौन सा मास, पॉइंट। इसके बाद अपन बात कर रहे हैं बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी व विस्थापन, और ये टॉपिक कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, कई बार इस पर न्यूमेरिकल देते हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं उठा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं दूरी को अपन बोलते हैं बेटा क्या, डिस्टेंस। देखो दूरी क्या होती है, किसी भी गतिशील कण द्वारा
निश्चित समय अंतराल में तय किए गए वास्तविक पथ की जो कुल लंबाई होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, दूरी। तो दूरी अपन किसे कहते हैं, किसी गतिशील कण द्वारा, किसी गतिशील कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई दूरी कहलाती है। तो दूरी अपन किसे कहते हैं, किसी गतिशील कण द्वारा तय किए गए वास्तविक पथ की कुल लंबाई क्या कहलाती है बेटा, दूरी। टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल इन डिफाइनाइट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो किसी भी मूविंग पार्टिकल के द्वारा डिफाइनाइट टाइम इंटरवल में कवर किए गए पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उस टोटल लेंथ को अपन बोलते हैं डिस्टेंस। तो टोटल लेंथ ऑफ कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल इन डिफाइनाइट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। इसके बाद आपको बता रहा हूं दूरी कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो यह भी याद रखना होता है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूरी कैसी राशि होती है, अदिश। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल पाथ की जो कवर्ड किसी भी मूविंग पार्टिकल के द्वारा, किसी भी गतिशील कण द्वारा तय किए गए पाथ की या तय किए गए पथ की कुल लंबाई होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, दूरी। और दूरी कैसी राशि होती है, अदिश। तो डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। दूरी सदैव कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस ऑलवेज विल बी पॉजिटिव। तो कहने का मतलब डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं, डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव। दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव। और डिस्टेंस होती है ना वो हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज होती है। तो डिस्टेंस होती है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है तो डिस्टेंस टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज। और डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं। तो दूरी समय के साथ हमेशा बढ़ती है, दूरी समय के साथ हमेशा बढ़ती है और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं। इस यूनिट ऑफ डिस्टेंस या इसके मात्रक की बात की जाएगी तो एमके सिस्टम में इसकी यूनिट होती है मीटर और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर। तो एमके सिस्टम में डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, सेंटीमीटर।
अगर आपको इसकी पूछ ले डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस, तो इसकी डायमेंशन आएगी m0 l1 t की पावर 0। तो इसकी कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन इतना याद रखना है कि किसी भी मूविंग पार्टिकल के द्वारा कवर किए गए टोटल पाथ की टोटल जो लेंथ होती है उसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर। डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। तो डिस्टेंस का नेगेटिव होना पॉसिबल नहीं। और किसी भी मूविंग पार्टिकल की टाइम के साथ जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा टाइम के साथ क्या होती है? इंक्रीज। और इसकी एम के सिस्टम में यूनिट होती है मीटर, और सी जी एस सिस्टम में इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर, जबकि इसकी डायमेंशन होगी बेटा एम जीरो एल वन टी की पावर 0। एक इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूं, दूरी अद्वितीय फलन नहीं होती है। ठीक, एक लाइन लिखती है, डिस्टेंस इज नॉट ए यूनिक फंक्शन, नॉट एन यूनिक फंक्शन। अब क्यों नहीं होगी? क्योंकि दो फाइनाइट पॉइंट के बीच में ये दो पोजीशन ली मैंने, एक तो ए और एक पोजीशन मैंने क्या ली? पी। इस दो फाइनाइट पोजीशन के बीच में डिस्टेंस होती है या दूरी होती है? इस डिस्टेंस की इन्फिनिटी वैल्यू हो सकती है, ए की वैल्यू ना होकर डिस्टेंस की इन्फिनिटी वैल्यू हो सकती है, अनंत मान हो सकते हैं, कि दो निश्चित स्थितियों के बीच में दूरी के अनंत मान संभव है, तो ए की वैल्यू नहीं होती, तब अपन बोलते हैं कि डिस्टेंस इज नॉट एन यूनिक फंक्शन, अद्वितीय फलन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि दो निश्चित स्थितियों के बीच में दूरी के कई मान हो सकते हैं, जबकि दो निश्चित स्थितियों के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसका ए की वैल्यू होती है। दो निश्चित स्थितियों के बीच में विस्थापन का केवल एक ही मान होता है, दो पोजीशन के बीच में डिस्प्लेसमेंट की केवल एक ही वैल्यू होती है, और एक ही वैल्यू होने के कारण अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इज एन यूनिक फंक्शन, यूनिक फंक्शन। ठीक है, कि विस्थापन एक अद्वितीय फलन होता है। क्यों होता है? क्योंकि दो निश्चित स्थितियों के बीच में विस्थापन का केवल एक ही मान संभव है, जबकि दो निश्चित स्थितियों के बीच में दूरी के अनंत मान हो सकते हैं, इसलिए दूरी अद्वितीय फलन नहीं है। डिस्टेंस इज नॉट एन यूनिक फंक्शन बट डिस्प्लेसमेंट इज एन यूनिक फंक्शन, क्योंकि दो निश्चित स्थितियों के बीच में विस्थापन का केवल एक ही मान होता है, जबकि दूरी के कितने मान हो सकते हैं? अनंत। और किसी भी मूविंग पार्टिकल के द्वारा कवर किए गए पाथ की जो टोटल लेंथ होती है उसको बोला जाता है डिस्टेंस। अगला टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे हैं विस्थापन। देखो विस्थापन क्या होता है, कि किसी भी विस्थापन और विस्थापन क्या होता है कि किसी भी गतिशील कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। तो विस्थापन अपन किसे कहते हैं?
किसी कण की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी विस्थापन कहलाती है। अपन लिख सकते हैं बेटा स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजिशन के बीच की स्ट्रेट डिस्टेंस, किसी भी कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। और विस्थापन ज्ञात किया जाता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट को निकाला जाता है बेटा फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। अंतिम स्थिति में से किस स्थिति को निकाला जाता है? प्रारंभिक। तो विस्थापन बराबर होता है बेटा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। विस्थापन सदिश राशि होती है, दूरी अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन कैसी राशि होती है? सदिश। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन कैसी राशि है? सदिश। अब यहां मैं आपको बता रहा हूं सदिश वेक्टर टू टाइप के होते हैं। एक तो जो वेक्टर होता है उसको बोला जाता है ध्रुवीय सदिश, पोलर वेक्टर, और एक होता है जिसको बोला जाता है अक्षीय वेक्टर, अक्षीय सदिश, अक्षीय वेक्टर। तो एक तो होता है ध्रुवीय सदिश और एक होता है अक्षीय सदिश। ध्रुवीय सदिश में स्थानांतरीय गति होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है, ठीक है जी। और अक्षीय सदिश में रोटेशनल मोशन होती है, घूर्णन गति होती है, ठीक है। तो जो ध्रुवीय सदिश होते हैं उसमें स्थानांतरीय गति होती है, जबकि अक्षीय सदिश में आपको बता रहा हूं कौन सी गति होती है? घूर्णन। अब घूर्णन गति होती है वो सर्कुलर पाथ वृत्ताकार पथ पर होती है, जबकि ट्रांसलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा में होती है। और रोटेशनल मोशन होती है वो किस पाथ पर होती है? सर्कुलर।
इट मीन्स रोटेशन मोशन अब होती है 2D, जबकि ये ट्रांसलेटरी मोशन होती है ना वो होती है 1D, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में होती है। और रोटेशनल मोशन होती है वो किस में होती है? सर्कुलर पाथ में। इसका मतलब वो कौन सी मोशन होती है बेटा? 2D। तो ट्रांसलेटरी मोशन स्ट्रेट लाइन में होती है, तो वो एग्जांपल है 1D मोशन का। और रोटेशनल मोशन सर्कुलर पाथ पर होती है, तो वो एग्जांपल है किस मोशन का? 2D मोशन का एग्जांपल है। और वो वाला एग्जांपल है किस मोशन का? 1D। अब ध्रुवीय सदिश का मतलब पिछली बार SSR में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं। ध्रुवीय सदिश कौन सा होता है? एक ऐसा सदिश, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन, दिशा पार्टिकल कण की मोशन गति की दिशा में होती है। कि एक ऐसा सदिश जिसकी डायरेक्शन, एक ऐसा सदिश जिसकी दिशा कण की गति की दिशा में होती है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा। तो इस प्रकार का जो वेक्टर होता है उसको बोलते हैं पोलर वेक्टर। जबकि एक ऐसा सदिश जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है, एक ऐसा सदिश जिसकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश होती है अलोंग टू रोटेशनल एक्सिस, अलोंग टू रोटेशनल एक्सिस। तो एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन पार्टिकल की मोशन की डायरेक्शन में होती है उसको तो बोला जाता है बेटा पोलर वेक्टर। और एक ऐसा पार्टिकल की जिस एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन रोटेशनल एक्सिस के अलोंग होती है उसको बोला जाता है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल है बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? थीटा। तो ये कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन इज ए एक्सियल वेक्टर। ये सारे के सारे अक्षीय सदिश है। जबकि विस्थापन है ना वो कौन सा सदिश है? ध्रुवीय। और SSR में ये क्वेश्चन पूछा गया था, विस्थापन निम्न में से कौन सा सदिश है? डिस्प्लेसमेंट फॉलोइंग में से कौन सा वेक्टर है? पोलर वेक्टर, ध्रुवीय सदिश, एक्सियल वेक्टर, अक्षीय सदिश, बोथ, नन ऑफ दीज, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसका क्या जाएगा? ये इंपॉर्टेंट लाइन निकल कर आ गई इसकी। तो कहने का मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बन रही है इसकी। और इंपॉर्टेंट लाइन में क्या बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट इज ए पोलर वेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है। विस्थापन ध्रुवीय सदिश होता है, विस्थापन ध्रुवीय सदिश होता है। विस्थापन कौन सा सदिश होता है? ध्रुवीय। ये पोलर वेक्टर होता है बेटा। इसके बाद आपको बता रहा हूं, विस्थापन पॉजिटिव नेगेटिव वह जीरो हो सकता है। देखो डिस्टेंस होती है वो तो हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। अब जीरो कब होगा? जब किसी भी पार्टिकल की
इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एक ही होती है, सेम होती है। तो जब किसी पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है, कि किसी भी कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही होने पर उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना, जीरो। अब इस क्वेश्चन को एक बार घुमा के पूछा गया है कि किसी कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही होने पर कण का विस्थापन है, कण का विस्थापन है जीरो, नल वेक्टर शून्य सदिश, ए व बी दोनों ही नहीं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो याद रखना कि विस्थापन सदिश राशि है। तो अपन ये बोलेंगे कि जब किसी भी पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नल वेक्टर होता है बेटा, ऐसा लिखा जाएगा, नल वेक्टर आंसर जाएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो किसी भी पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होने पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो ना बोलकर अपन बोलेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब आप ये कह रहे हो पॉजिटिव नेगेटिव कब होंगे, तो कई बार अपन को क्वेश्चन दे देगा किसी पार्टिकल की इनिशियल और फाइनल पोजिशन दे देगा, जैसे दे दिया 7 मीटर 3 मीटर, या ऐसा दे दिया मैंने 6 मीटर -6 मीटर, या इस तरीके का दे दिया मैंने 4 मीटर 3 मीटर। अब पूछेगा उसके डिस्प्लेसमेंट कितने, तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे रखी है। अब डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, तो देखो 3 -7 -6 -6 और 3 -7, तो यह आंसर आया -4 मीटर, यह आंसर आया -12 मीटर और यह आंसर आया माइनस का कितना मीटर, 4। तो ये सारे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा दे देता 4, तो आंसर आता है इसमें कितना, -1 मीटर। फाइनल पोजीशन में से किसको रिड्यूस करना है, इनिशियल पोजीशन को, ठीक है ना। अब इसको मैं अगर ऐसा दे देता 4 मीटर 4 मीटर, तो ये फाइनल और ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना आता, जीरो, ठीक है ना। और इसको मैं ऐसा दे देता कि 6 मीटर 4 मीटर, तो आंसर आता 6 मीटर -4 मीटर 2 मीटर। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, और सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो सकता है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक और क्या हो सकता है, शून्य। तो ये पॉइंट था अपना डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।